हमारे सहयोगी चमन पलानिया इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी चमन, क्या अपडेट्स कुल्लू से मिल रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं कुल्लू में मौजूद हूं और जो चंडीगढ़ से जो मनाली हाईवे है और रायसन की जगह पर मैं हूं इस वक्त, और आपको दिखा दूं कि जहां पर जो था ब्यास नदी ने जो था अपना रौद्र रूप दिखाया था और पूरी ब्यास नदी जो थी इस हाईवे में जो है वो टकरा गई थी और पूरे हाईवे को जो थे क्षतिग्रस्त किया था। अभी जो PWD की जो टीम है वो इस हाईवे को ठीक करने में लगी हुई है और बड़े बड़े यहाँ पर जो पत्थर है वो लगाए जा रहे हैं, और ताकि इस हाईवे से जो है मनाली से जब आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो बीच में जो था काफी जगह जो था लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई थी, और देर रात भी मंडी जिले में और कांगड़ा जिले में काफी भारी बरसात हुई थी और जगह जगह लैंडस्लाइड की जो घटनाएं थी वो सामने आई थी। लेकिन अभी नो मिल के पास जो था एक साइड से जो था हाईवे खोल दिया गया है, और अभी रायसन के पास ही जो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे हाईवे का काम चला हुआ है और यहाँ से पूरा हाईवे जो है बह गया है, और कुछ ही दूरी पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो लगभग 700 मीटर के तकरीबन जो रोड है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और पैदल जो है लोग आ रहे हैं, और ब्यास नदी ने जो था अपना रुख जो है मोड़ लिया था और इस किनारे पे आके टकरा गई थी, और जिससे पूरा हाईवे ही यहाँ से बह गया है। और पूरी कुल्लू घाटी में भी इस वक्त जो है बादल जो है छाए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो है बरसात भी हो रही है, और कल रात अगर किन्नौर जिले की बात करें तो वहाँ पर भी जो है काफी बरसात हुई थी, और लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से जो है एक महिला की मौत हुई है, और वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। जी साथ ही चमन, जो ये नेशनल हाईवे बाधित हुआ है जगह जगह से, बताया जा रहा है कि बहुत सारे क्योंकि टूरिस्ट भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसे में नेशनल हाईवे को या पुलों को रिस्टोर करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं?